हमें शुरुआत से ही बताया जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो पढ़ाई लिखाई खूब मन लगाकर करनी होगी और हमेशा ये कोशिश करनी होगी कि हम अच्छे से अच्छे संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर सके। हर माता पिता की ये ख्वाहिश भी होती है कि वे अपने बच्चों को देश के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके, सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। इंडिया टुडे द्वारा जारी MDRS सर्वे की लिस्ट में ये कॉलेज नंबर 1 से नंबर 10 तक पर है, यानी कि ये इंडिया के टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहां पर एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं की लाइन लगी रहती है और यहां पर एडमिशन कराना काफी मुश्किल होता है। सबसे पहले नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला हिंदू कॉलेज है। आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1899 में हुई थी। ये हमारे देश में आर्ट्स और साइंस के लिए सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और कॉमर्स के अलावे आर्ट्स के कई विषयों की पढ़ाई होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्र परेशान रहते हैं और जिनका एडमिशन हो जाता है मानो वो तो गंगा नहा लेता है और उसे लगता है कि जीवन में अब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा तो हो ही जाएगा। दूसरे नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सेंट स्टीफन्स कॉलेज का नाम है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, जो कि कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली के तहत था। इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों करवाए जाते हैं। इसके अलावे ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से एक है, जहां पर आर्ट्स और साइंस दोनों की पढ़ाई होती है। तीसरे नंबर पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कॉलेज है। इस बार नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज का। आपको बता दें कि मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले उन कॉलेजेस में से एक है, जहां से निकली छात्राएं काफी अच्छे अच्छे मुकाम पर है। हर क्षेत्र में मिरांडा हाउस से निकली छात्राओं का नाम होगा, चाहे वो बृंदा करात हो, सीला दीक्षित हो, नंदिता दास हो, अनीता मजुमदार हो, मल्लिका शेरावत हो या फिर अन्य। आपको बता दें कि मिरांडा हाउस खास करके महिलाओं के लिए है। ये एक महिला कॉलेज है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले महिला कॉलेजेस में से सर्वोत्तम माना जाता है और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े तो मिरांडा हाउस में उनका एडमिशन जरूर हो जाए। चौथे नंबर पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कॉलेज है। इसमें नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लेडी श्रीराम कॉलेज का। लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, जिसे आप LSRDU के नाम से भी जानते होंगे, ये काफी प्रतिष्ठित कॉलेज है। लेडी श्रीराम कॉलेज की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1956 में हुई थी। आपको बता दें कि लेडी श्रीराम कॉलेज में BA, BCOM, BA प्रोग्राम, BSc, BLED और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग, इसके अलावे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में भी कराया जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय ही है। चौथे नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला हंसराज कॉलेज है। हंसराज कॉलेज का भी नाम बहुत है। आपको बता दें कि हंसराज कॉलेज की स्थापना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तहत हुई, जहां पर साइंस, लिबरल आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आपको बता दें कि हंसराज कॉलेज में भी एडमिशन के लिए छात्रों की लंबी कतारें रहती है और लोगों का सपना होता है कि वे भी हंसराज कॉलेज में पढ़ाई कर सके। अब बात करते हैं छठे नंबर की। छठे नंबर पर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, जो कि चेन्नई में स्थित है। साउथ जोन को भी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। आपको बता दें कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में लिबरल आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है। 1837 में इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज को इस बार इंडिया टुडे की MDRA रैंकिंग में छठी पोजीशन पर जगह दी गई है। अब बात करते हैं सातवें नंबर की। सातवें नंबर पर दिल्ली का किरोड़ीमल कॉलेज है।
आपको बता दें कि किरोरीमल कॉलेज की भी स्थापना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही हुई है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्थित। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, जिसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और कॉमर्स शामिल है। अब बात करते हैं आठवें नंबर की। आठवें नंबर पर लॉयला कॉलेज चेन्नई का है। आपको बता दें कि ये कॉलेज ऑटोनोमस है। इस कॉलेज की स्थापना 1925 में फ्रेंच जेसुइट प्रिस्ट के द्वारा की गई थी। इस कॉलेज को प्राइवेट कैथोलिक हायर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा चलाया जाता है। ये मद्रास के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में शामिल है। यहाँ पर भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है, जिनमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, तमिल, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराई जाती है। अब बात करते हैं रैंक नंबर 9 की। 9वें रैंक पर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज क्राइस्ट है, जो कि बेंगलुरु स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को नंबर 9 पर जगह दी गई है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की। 10वें नंबर पर दिल्ली का आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, जिसे सनातन धर्म कॉलेज भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में से एक है। 10वें नंबर पर आने वाले आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना 1959 में की गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एड ऑन कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जिसके अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी की पढ़ाई होती है। इसके अलावा एड ऑन्स में कंप्यूटर कोर्सेज, फ्रेंच लैंग्वेज, मास्टर इन स्टॉक मार्केटिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग की पढ़ाई के अलावा टैक्सेशन और जीएसटी की भी पढ़ाई कराई जाती है। तो आपने जाना हमारे देश के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, जिसे इंडिया टुडे की MDRA रैंकिंग 2022 में 1 से लेकर 10वें स्थान तक में जगह दी गई। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।